पति का नाम हिमांशु हिमांशु ससुर का नाम मंगत राम माला मंगत राम दद्दे ससुर का नाम दादाजी का नाम बुद्धिराम कहाँ रहते हो बाबू गांव बताओ गांव बता दो वैसे तो पहाड़ पहाड़ का पौड़ी गढ़वाल में भदूली 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 ठीक है ये बाबू भगवती तुम्हारे गांव में मंदिर है भगवती का हाँ, काली हाँ? चल तो मैं ही रही हूँ बाबू ले हाँ, माता लगती है हाँ? लगती है। कोई कबूला हुआ है कुछ बेटा अभी तुम्हारी कबूलियत भी आ रही है उस भगवती में बाबू दादाजी ने कबूला था जब चाचा जी मारे थे बचपन हाँ, में तब का है तो अभी उतारा नहीं बाबू माता ये चढ़ाया तो था लेकिन क्या कहते हैं मेरी बेटी हो रखी थी 5-6 दिन की थी तो इन्होंने अष्टबली की पूजा कराई अब अशुद्धि में हुई क्या ये पता नहीं चला नहीं चढ़ी नहीं चढ़ी ना वो बकरा ही गायब हो गया था लेकिन मेरे को ना ये तो उल्टा नहीं कैसे हो अपना बाप चढ़ा दिया माता मैं पागल सी हुई हूँ गंदगी कर दी है तो और मैं आज किसने ये किसने तुम्हें सलाह दी कि ये पूरे गांव के कुटुंब लोगों ने मिलकर के पूजा करी है वो भी जब अशुद्धि थी मैं इतनी पागल हुई हूँ कि सब लोग मुझे कह रहे कि तू साइकोलॉजिस्ट के पास जा तेरे डॉक्टर की जरूरत है नहीं बाबू अब मेरे पे कई बार कोई चिल्लाती हूँ क्या होता मुझे नहीं बाबू पता लगता तेरे ऊपर तो मैं ही हूँ माँ मेरे को लोग पागल कह रहे कि तू पागल खाने चले जा मेरे को ऐसा कर देंगे जैसे जूते चप्पल मार देंगे मेरे को खत्म कर देंगे बाबू अगर जब आई हुई शक्ति को भ्रष्ट करेंगे तो मुझे गंगा नदी में बोला था मुझे कि तब तक जूते मार के निकाल देंगे यहाँ से बाबू मैं इसलिए आपके दरबार में लेके आई बहुत तड़प गई थी 10 साल हो गए मुझे मैं रोज मरते मरते जी रही हूँ मुझे नहीं पता मेरे पूरे परिवार में ऑपरेशन पे ऑपरेशन कोई रोकथाम हो ही नहीं पा रही है क्या करूँ मैं बहुत मानेंगे नहीं बाबू और ये चीजों को खराब कर दिया गया है बाबू रुष्ट में चल रही है भगवती मैं कहीं भी जाती हूँ तो कोई साथ देने को तैयार नहीं मैं तड़प गई मैं बहुत मैंने बहुत आस लगाई कि मुझे लेके आ जाओ आज भी मैं बहुत मुश्किल से पहुंची तेरे दरबार में कोई बात नहीं फिक्र ना कर तू अपनी माई के पास आई है ना रास्ता कहते हैं कि तेरे पेट में बच्चे भी खत्म हो जाएंगे मेरा वंश नहीं पड़ेगा मुझे नहीं पता मेरे संग क्या हो रहा है कुछ नहीं होगा मेरे पेट में बच्ची आई है बहुत मुश्किल से इसके लिए भी दुश्मन पहले बन बैठे हैं ये जब भी देखो बीमार रहती है मेरे बड़े बेटे को कोई प्यार नहीं करता कहते हैं इसको भी ले जा अपने साथ में कहां लेके जाओ ये तो मारने को तैयार है बस कि खून पी जाए बस ऐसा हो रखा है पूरे परिवार मुझे नहीं पता मैं मेरे पे क्या बीत रही है मेरे पे क्या हो रहा है मेरे साथ मैं बहुत आस्था लेके आई हूँ मेरा कल्याण कर दे मेरा पति भी तेरा रास्ता यही से सुधारूंगी बाबू तू घबरा मत चल मैं भी रही हूँ और एक बाबू नर्सिंग भी चल रहा है माँ बोला था ना मैंने सच्ची शक्ति है बात नहीं किया ना इसलिए तेरे को लेके आई ना खड़ा करने के लिए माफी मांगता है ये बहुत बड़ी माता है ये नर्सिंग भी ये बहुत बड़ी माता है इसको कोई नहीं झुठला सकता जो झुठलाएगा उसका सर्वनाश हो जाएगा लेकिन ये माँ है भगवती बैठी सामने मैं कुरुक्षेत्र दरबार भी लगी थी लेकिन मेरे को सपने का कि तुझे डॉक्टर के पास ही जाना नहीं मारना मरते मरते बची 5 बार देख माँ मेरे पे ढोल दिखता रहा मैं पागल हो जाऊंगी कोई बात नहीं बाबू मेरी बात सुनो एक तो तुम्हारी ये जो नर्सिंग है ये भी तुम्हारा विकराल रूप लेकर माई नर्सिंग कहाँ से है मुझे बता दो बाबू ये पीछे गांव का ही है तुम्हारा घर मेरे साथ कहते कि मेरा नहीं है नहीं कुल की देवी आएगी तो मेरी छोटी बहू पे आएगी तेरे पे नहीं आएगी माँ मैं पूरी पागल हो गई हूँ माता मुझे नहीं पता मेरे दिन भर में सूखती जा रही हूँ जो मैं कहूंगी तो उस पे चल दुनिया क्या कहती है तो माँ मैं कर दूंगी जो कहूंगी मैं कर दूंगी मैं बहुत ज्यादा पागल हूँ बहुत ज्यादा शांत रहना है जैसा मैं कहूंगी वो कर मैं शांत हूँ सुन एक तो शक्तियां विचलित हो रखी है चल मैं आ रही हूँ इस बच्ची पे प्रचंड रूप से चल रही हूँ और पर्चे देने वाली हूँ लेकिन तुमने भ्रष्ट कर रखी है ये सच माँ मैंने बहुत धैर्य रखा बहुत ज्यादा कि परिवार शांत रहे आए दिन घर में लड़ाई झगड़ा मैंने बहुत धैर्य रखा कि ताकि सब कुछ अच्छा रहे कोई बात नहीं माँ मैं आराम से ठीक है तुम्हारे पीछे से बकरे चढ़ते थे भगवती को इसे क्यों दिख रहा है क्योंकि जो तुम लेकिन ये तो लेगी अपना भोग और जब तुम समय पर नहीं दोगे तो बाबू ये सब होगा अगर तू गांव जिस स्थान से चली है जो बलिया तुमने दी है जो प्रसाद तुम चढ़ा रहे हो बाबू वो तो तुम्हें 5 साल में लेकिन वो भोग देना पड़ेगा लेकिन इस बच्ची के ऊपर मैं ही हूँ और रणचंडी की सवारी चल रही है यानी मेरी समझ रहे ना तो अगर तुम बाबू नहीं मानोगे तो ये पागल क्या सबको पूरे खानदान को पागल पूरा परिवार बिगड़ा तो ये तो हो गए बाबू जब तक कभी बाबू सुन क्योंकि तुम्हें लगता है तुम इसको बोल रहे हो लेकिन इसको भी तुम भगवती को बोलते हो तो वो तो फिर अपना असर दिखाएगी माँ हरिद्वार में भी आई थी एक बार मेरी सास ने कहा कि भूत पी रहे थे गंगा जल छिड़का कि मैं चूल्हा मांगा था माँ ने
नहीं चढ़ाया, चूल्हा भी नहीं चढ़ाया, ताकि हम नहीं चढ़ाएंगे। बाबू मेरी बात सुन, बाबू कोई बात नहीं, वो नहीं मानती ना, मुझे नहीं पता मैं अकेले मैं क्या क्या करूँ, किस किस का साथ दूँ। अब ये बता बेटा, तू विश्वास करेगा तेरे घर? ये तो करने को तैयार है, तू विश्वास करेगा? तैयार है, तू संभल के चल, ठीक है? एक ही चूल्हा साथ साथ ही रहती है। हाँ वैसे हम साथ में, लेकिन मनमुटाव रहता है उनका। कोई बात नहीं, मैं हो जाएगा, मैं मनमुटाव रहता है। रुक जा, नाम बोल सास का। मंजू मधोला। तुम्हारे परिवार में महिला भी मरी हुई है, ठीक है ना? वो भी आ रही है बाबू तुम्हारे घर के, कोई रास्ते आगे तुम्हें रास्ता भी नहीं मिला, अंधकार में हो, रास्ते ठीक है ना? घर की महिला ये आ रही है, लेकिन पितर में ये संकट में भी चल रही है। और बाबू तुझे महसूस भी होता है ना, कोई चीज चल रही है, होता ना किसी का होने का? हाँ बाबू, तो ठीक है, महसूस इसलिए होता है क्योंकि शक्ति का इसमें ही प्रवेश है। कोई चीज अच्छी आएगी बुरी आएगी तो उसे महसूस होता है, सब पता चल जाता है, लेकिन कोई मानता नहीं है, गले में बैठ जाता है। हाँ वो संकट है बाबू, वो तलवार सी होती वो लेके खड़ा हो जाता है, समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। मुझे यहाँ तक बोल दिया कि तू दरबार में बैठ और वो कर, लोगों से भीख मांग, मैं क्या करूं भैया, इसमें बहुत परेशान, बहुत ज्यादा। अच्छे एक बात बताओ, ये कोई शमशानी उपाय भी किया था तुम लोगों ने? शमशान में कोई कुछ छोड़ के आया था बाबू? ये उपाय हो रखा है तुम्हारे घर से? ध्यान से बोलना बाबू, आराम से। इनकी तरफ से तो नहीं, पर एक बार मैंने माइके से करवाया था, किसी ने मुझे अहंकार कुछ बताया था तो वो करवाया था मैंने। हाँ, मुर्गा मुर्गा बताया था। हाँ, वो करवाया, क्योंकि बाबू साथ में ना शमशानी भी चल रही है तेरे साथ, शमशान काली भी, यानी कि ये भद्रकाली का ही रूप है। वो अहंकार कुछ बताया तो उसका उपाय बता, यानी शमशान काली रूप में भी, ठीक है ना? और इसीलिए तू थोड़ी जो टिकी है इसीलिए, वरना चीज आके तो कब की चली जाती है। जो ये मार धाड़ हो रही तुम्हारे घर, ये है तो नरसिंह का है बाबू, जिस वजह से तुम्हारे घर में बिल्कुल कोहराम मचा पड़ा है, ठीक है? गुस्सा सब पे तेज चढ़ता है, किसी का कम नहीं है, कोई किसी को वो समझता है, ये बोल रहा है तो ये गलत है, मैं बोल रहा हूँ मैं ठीक हूँ। तुम्हारे यहाँ जो मतभेद विचारों का बहुत ज्यादा है, ठीक है ना? तो शक्ति अभी ऐसे में कहाँ खुश रहेंगी, ठीक है? गलती और शक्ति तुम्हारी खुद जो गाँव से चली है, जो वो भी रुष्ट में है, ठीक है? पर अगर तुम्हें विश्वास हो, धैर्य हो, तो बाबू रास्ता मैं दूंगी, उपाय जो है धैर्य रख के सारे उपाय करना, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तेरे पे शक्ति का प्रवेश हो रहा है। लेकिन उससे पहले ये जो महिला मरी है, संकट ये भी है, ये जो तुम्हारे घर में चल रहा है, इसीलिए जो दिक्कत चढ़ती है ना, ये बच्चों की जो बार बीमार होना और ये पेट दर्द की समस्या, ये तो मतलब आए दिन इसको लगातार, इसलिए बोल रहे हो, अरे पेट दर्द, ये मेरा बेटा अपने हाथ काटता रहता है, क्यों पता नहीं चलता, क्यों हाथ क्यों खा रहा है? मैंने कोई अच्छा का लड़का हाथ खा रहा अपना बताओ। और बाबू पेट में भी दर्द की समस्या उठती है। हाँ, ये पेट में ना बाबू, ये संकट है बाबू, चल रहा है ना, मेरे परिवार में कुछ ना कुछ ऑपरेशन लगे रहते हैं। हाँ इसीलिए बता रही हूँ। आ गया बाबू, पलट बाबू ऐसे, करते हुए एक समय में एकदम थाली भी उलट के गिर गई थी बाबू। हाँ ऐसा होता है, ये रुष्ट हुई थी ना बाबू। हाँ, करवाया था ना हमने, तो हवन जैसे हुआ उसी समय पूरी पराठी गिर गई अपने आप से। हाँ, 4 दिन बाद हम हॉस्पिटल में इसको लेके इसकी नाक में चना चले गया, ऐसा हुआ है। हाँ बाबू, क्योंकि शक्ति रुष्ट है ना बाबू, इसलिए हो रहा है, वो पूरा संकेत दे रही है, लेकिन समझना पड़ेगा। माँ मुझे पता चलता, मेरे परिवार में मानते नहीं, बिल्कुल नहीं मुझे। कोई बात नहीं, तुझे ना माने छोड़, तुझे जो कहूंगी वो कर, सब अपने आप ठीक होगा। मैं सब कुछ करने को, तुझे किसी से भुगतना नहीं है, बहुत भुगत लिया। हाँ बस, तूने भुगत लिया, तूने सब जगह देख ली ना, अब अपनी माँ को देख लिया। जब यहाँ से जो कार्य कराऊंगी 101% तुझे फर्क लगेगा, तू ठीक होगी, शांति आएगी, दुश्मन तेरे दोस्त बनने लगेंगे। मैं मुझे धैर्य रखियो, ठीक है? आपके चरण छू लूंगी, यही चाहिए। बस तुझे उलझना किसी से नहीं है, शांति, अपना जो भक्ति करनी है वो गोपनीय तरीके से कर, किसी को दिखाने नहीं है, तू कर क्या रही है, ठीक है बेटा? अपनी चीजों को शांत, ठीक है? क्योंकि बाबू सुन मेरी बात, अगर शक्ति आ रही है, तू खेल रही है, तो आज तो तेरी माई को सब लोग पाखंडी बोल देता है। मैं गद्दी पे बैठी हूँ, मुझे बोल के चले जाते हैं, मेरी सवारी को सुनना पड़ता है, तो कोई बात नहीं, वो तो अपना खाता खराब करते हैं। इस समय मेरा परिवार ही मेरा दुश्मन बना हुआ है। फिर माँ मेरी सास बोलती आई तो मेरी छोटी बहू कह के तेरे पे क्यों आगे, तेरे पे नहीं आएगी तो हम पूजा नहीं देंगे। मैं आप लोग पूजा नहीं दोगे तो मैं ठीक कैसे होंगी? कोई बात नहीं, मेरे बच्चे बड़े होकर ये मुझे पागल बोलेंगे। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो मैं तुझे कहूंगी उसमें बड़ी किसी को कोई पूजा देने की जरूरत नहीं है, तू और तेरा पति होना चाहिए, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? ठीक है ना, किसी, क्योंकि भगवती जब स्वयं बैठी है, जो कार्य कराऊंगी वो कर लियो, ठीक है?
अब देखा बाबा गुस्सा तो तुझ पे भी बहुत चढ़ता है, गुस्सा बहुत ज्यादा पागलवाना, और सबसे ज्यादा जो ये नरसिंह का इशारा तेरे ऊपर आ रहा है। हाँ बाबा इतना पर तेरी सांस नहीं चढ़ती, आप इनको थोड़ा ज्ञान दे दो। ठीक है बाबू, सांस चढ़ती है बाबू, सुन ले, सारा संकट काट दूंगी, चीजें सही होंगी, पर दोनों आने वाले समय में तुम दोनों के सर पे गुरु का हाथ होना बहुत जरूरी है। तुम दोनों को ही गुरु धारणा करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि दोनों ही शक्ति जागृत है, क्योंकि रणचंडी मैं ही चल रही हूँ, तुझ पे नरसिंह, सारी जागृत शक्तियां हैं। और जब वैसे तुम्हें कुछ पता नहीं, संकट सारे तुम्हारे घर में चीजें कटेंगी नहीं, इसके बाद गुरु का हाथ रखवाना पड़ेगा, तब जाके शांति तुम्हारे दिमाग में शरीर में आनी शुरू होगी। जो जगह जगह तुम इधर उधर पटक रहे हो वो पटका पटकी बंद हो जाएगा। ऐसे कभी कोई बर्तन फोड़ दे, कभी मुझे गुस्सा इतना लगता है कि असल में मैं मार होगा ये बाबू, बिना गुरु की शक्तियां जो जब लेके साथ चलोगे ऐसी होगा, पर ये बाद में होगा, पहले से पहले तेरी चीजें जो है, जो कष्ट तेरे ऊपर है वो काटने पड़ेंगे। मैं आप तुम्हारा कल्याण करती हूं, मैं बहुत दुखी होगी बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, इस रास्ता मैं दे रही हूँ, ठीक है, जो उपाय करने हैं बता रही हूँ, लेकिन बाबू आने वाले समय में तुझे करना ही पड़ेगा, वरना सबसे ज्यादा चोट तेरे गाड़ी तेरी ठुकती है। ये तो गुस्से में कर रहा है, यानी शक्ति को तुम मान नहीं रहे हो, सम्मान नहीं मिल रहा घर में, तो वो तेरा ही नुकसान, आगे भी नुकसान ही है। गाड़ी में जहीं हाथ लगाते वहीं नुकसान है, वो तो हो गई, यहाँ तक तुम्हारा बाल बाल बिकने में आ जाएगा बाबू। ऐसा हो रहा हमारे, बाल बाल बिकने में आ जाएगा बाबू, कुछ नहीं बचेगा तेरे पास, समझ रहे? इसलिए मैं आपके पास लेके, इतना हो जाएगा कि तुम खुद बोलोगे कि हमें फंदे पर लटकना है। जो तुम्हारा ये कंडीशन तुम्हारी बड़ी जल्दी बन जाएगी कि तुम बोल रहे हो मैं खुद सुसाइड कर, बोलते कि शादी बेकार कर दी, सब कुछ नुकसान हो गया। मैंने कहा मैं बहुत आस्था लेके आई आपकी। कोई बात नहीं बाबू, धैर्य रख, तेरा सब सही होगा, लेकिन विश्वास तेरा, काम मेरा, ठीक है बेटा? तो है मेरा, इसलिए है बेटा, तो तू पहले वचन दे कि जो मैं कहूंगी तो वो करेगा, तो मैं आगे रास्ता दूं, वरना बाबू मेरा तो कुछ जाएगा नहीं, तो तेरा घर खराब हो जाएगा। घर करना पड़ेगा माता, तू बता बेटा, करना पड़ेगा, करेगा ना, क्योंकि वो तो करेगी, मुझे पता है। मुझे माँ, मैं पूरी विश्वास के साथ आई हूँ, इनको बहुत मना मना के लाई हूँ मैं। कोई बात नहीं बाबू, उसे मानना पड़ेगा, वरना बचेगा कुछ नहीं तेरे पास, इस बच्चे के हाथ दिखा। मैं तो खुद सिंदूर लगा हुआ देखती, कोई दरवाजे पे सिंदूर डाल के देता, कोई चावल डाल के देता, सपने में ना बहुत चावल, कोई कुछ, मुझे समझ नहीं आता क्या होता लगता है। कोई बच्चा भी गया हुआ है पीछे, ना ये तो मुझे पता नहीं, तू बता, तुम्हारे पीछे पहले मतलब दादा ये तुम्हारे पीछे से कोई बचपने में मरा था, कोई बचपन में कोई बच्चा था किसी का, क्या किसी का मिसकैरेज हुआ, ये तो इनको भी नहीं पता, क्योंकि बाबू ये तो आ रहा है बच्चा ना मरा हुआ, और ये पीछे तेरे परिवार का है, अपना ना आराम से पूछ लियो, सास तो खैर तेरी ना भी बताए, लेकिन जानकारी लेना कि कोई परिवार में, जैसे कि तेरे पिता के पीछे से ये पितृ रूप में बच्चा मरा हुआ आ रहा है बाबू, ठीक है ना, इसका दिखा, क्योंकि इस बता रहा है इस बच्चे का ना, तो ये बीमार इसलिए, संकट तो बाबू देख तुम्हारे साथ है, नीचे करवा, नीचे ऐसे 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 पलट दे बाबू, सुनता नहीं होगा, नहीं माँ ऐसी है ये संकट बाबू, वो ये तुम्हारे घर का सब बच्चों पे, सब पे चल रहा है, बोलना पड़ता है तब जाके, हाँ कुछ ना कुछ सब पे ही चल रहा है, समझी है? तो कोई बात नहीं बाबू, पहली बात तुम कुर्सी क्या बताया था, माता मैं वहाँ गई जरूर 5-6 बार, लेकिन मैं माता से मिल नहीं पाई, इतना चिल्लाई कि मुझे छोड़ के आना पड़ा। हाँ बाबू सुन मेरी बात, लगातार उपाय चल